मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक राहुल सिंह लोधी मुश्किलों में घिर गए हैं। हाईकोर्ट ने विधायक के चुनाव को शून्य घोषित करने का आदेश दिया है, साथ ही कहा कि उन्हें विधायक पद की सुविधाएं नहीं दी जाए, सुविधाएं जो है उनसे सुविधाओं से उन्हें वंचित करा गया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक चंदा रानी गौर ने उन पर शपथ पत्र में जानकारी छुपाने का आरोप लगाया। इस संबंध में जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। बुधवार को हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। बता दें कि बीजेपी विधायक राहुल सिंह लोधी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे हैं, जिनका खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक राहुल लोधी का निर्वाचन शून्य कर दिया गया है, क्योंकि विधानसभा चुनाव वर्ष 2018 में खरगापुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर निर्वाचित हुए थे। वही इस खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और याचिकाकर्ता चंदा सिंह गौर ने राहुल लोधी के विरुद्ध नामांकन फॉर्म में जानकारी छुपाने की शिकायत की थी। राहुल लोधी शासन से लाभ ले रहे फर्म पार्टनर थे, लेकिन यह जानकारी नामांकन पत्र में नहीं दी गई, जबकि हाईकोर्ट ने राहुल लोधी पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। लंबी सुनवाई के बाद निर्वाचन आयोग और राहुल लोधी सहित तमाम पक्षों और दलीलों को सुना गया। निर्वाचन के समय राहुल लोधी द्वारा जमा किए गए समस्त दस्तावेज का परीक्षण किया गया। वहीं बुधवार शाम को हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने राहुल लोधी का निर्वाचन शून्य करने का आदेश जारी किया। खबर है कि हाईकोर्ट जबलपुर के फैसले सुनने के बाद पूर्व विधायक राहुल लोधी सुप्रीम कोर्ट दिल्ली स्ट्रे के लिए शरण में गए। वहीं तत्कालीन रिटर्निंग ऑफिसर वंदना राजपूत के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कोर्ट का आदेश हुआ है। और अब हमें देखना यह है कि खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राहुल लोधी को सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय सुनाती है। उसके पश्चात उन्होंने 9 तारीख को दोबारा फॉर्म भरा, जिसमें उन्होंने बताया कि वो आरक्षण क्षेत्र की भागीदारी से बाहर आ चुके हैं, क्योंकि स्क्रूटनी में यह स्पष्ट था कि उनका 8/11/2018 वाला ही जो है नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी ने मान्य किया था, जिसमें उनको माना था कि वो आरक्षण क्षेत्र में भागीदार है, तो उनका नामांकन पत्र नष्ट होना चाहिए, परंतु उनका नामांकन पत्र नष्ट नहीं किया गया, जिसके खिलाफ पूर्व विधायक चंद्रकांत ने मान्य उच्च न्यायालय में देखने लगाई थी। उसका कल मान्य उच्च न्यायालय द्वारा फैसला दिया गया है।